नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। सो गए, जैसा कि आप सभी को बताया, डबल ए ट्रिपल सी ने अपने सेकंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था और यहाँ पर जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट भी जो है डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। अदरवाइज मैं इसे टेलीग्राम से भी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप लोग चेक कर लीजिए आपको सेकंड राउंड में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके साथ में गाइज, अभी जो है 6 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक आपको रिपोर्टिंग करना होगा अपने कॉलेज, जिस जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, उसके लिए रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 14 मार्च तक, ठीक है। और इसके साथ में जो अलॉटमेंट लेटर है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वो भी जारी कर दिए गए हैं, वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, रिपोर्ट कर दीजिए। 14 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो अभी गाइज, आज आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या रहा है सेकंड राउंड का कट ऑफ। मैं आपको सभी कैटेगरी वाइज बता दूंगा, कोर्सेज वाइज एंड इंस्टीट्यूट वाइज क्या कट ऑफ रहा है सेकंड राउंड का, डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ ही मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, सभी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है @bingdoctorofficial, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो बनने के लिए गाइज, आप सभी में जो भी स्टूडेंट नीट 22 या 23 को टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो उन सभी के लिए गाइज, आप सभी के लिए अन अकेडमी में डेली लाइव क्लासेस लेता हूं, जहां पर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो है मैंने रिसेंटली एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर हम बायोलॉजी का कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सभी लोग मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही इस वहाँ पर आप साइनअप कीजिए फ्री में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कीजिए। और इस सेशन का और ये जैसे कि आज जो क्लास हो रही है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की, वो 4 PM पर भी होगी और रात को 8 बजे भी एक टेस्ट होगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। डेली 1 से 2 अपन मॉक टेस्ट लेते हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट का हर दिन मौका मिलता है, ठीक है। तो सेशन के इस क्लासेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके एनरोल करा लीजिए, सभी क्लासेस फ्री होती है मेरी, ठीक है। और फिर भी अगर कोई अनलॉक करने के लिए कोड भेजा है, फ्री एंट्री के लिए कोड भेजा है, तो बिंग डॉक्टर कोड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आप अप्लाई कर देंगे, आप फ्री में एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है क्लासेस में एनरोल कराना, आप सभी लोग डेली आया करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी आप सभी की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर भी जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था बायोलॉजी में, 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर किया है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरी क्लासेस में आते थे। तो आप लोग भी आया करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूँ, अनअकैडमी आप सभी लेकर आए अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसके अगर आपको चाहिए केवल टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन, तो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन पर अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, 9 मार्च इसकी लास्ट डेट इस ऑफर के लिए। तो जो भी अप्लाई लेना चाहता है ले सकता है, यूज़ माई कोड बिंग डॉक्टर, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओवर दिस, ठीक है। तो सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप लोग एनरोल करा सकते हैं, थैंक यू। सो गाइस, जब हम बात कर लेते हैं क्या रहा है सेकेंड राउंड का कट ऑफ, है ना, अपन पहले बीएमएस कोर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में बीएमएस कोर्स का जो कट ऑफ रहा है, ये बीएमएस कोर्स ही कट ऑफ है, BAMS फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कोटा के लिए जो कट ऑफ रहा है फर्स्ट सेकंड राउंड का, वो ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं कौन कितने रैंक पर क्लोज हुआ है और 539 मार्क्स पर अलॉट हुआ है लास्ट कॉलेज, ठीक है। 539 कट ऑफ रही है सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी की, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट एडेड की बात करते हैं तो 533 कट ऑफ रही है इसकी ऑल इंडिया रैंक, आप देख सकते हैं। BHU की बात करते हैं तो BHU का कट ऑफ 590 मार्क्स रहा है, ठीक है। और ITRA जामनगर में 576 कट ऑफ रहा है। NIA जयपुर की बात करें तो इसका कट ऑफ ज़्यादा रहा है थोड़ा, 591 कट ऑफ गया है, ठीक है, थोड़ा बढ़ गया है लास्ट फर्स्ट राउंड से। NEIH शिलोंग की बात करते हैं 552 यहाँ पर कट ऑफ रहा है सेकेंड राउंड में। तो ये बात कर ली हमने जनरल कैटेगरी की BMS कोर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं BMS कोर्स की EWS कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है। तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की कट ऑफ आप देख सकते हैं, 536 मार्क्स कट ऑफ रही है। ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं 55,810 जो है मार्क्स रैंक पर क्लोज हुआ है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की बात करते हैं 529 कट ऑफ रही है। BHU की बात करते हैं 588 मार्क्स कट ऑफ रही है। ITRA जामनगर की 575, NIA जयपुर की 585 एंड NEIH शिलोंग की 545 कट ऑफ रही है सेकेंड राउंड की EWS कैटेगरी। OBC की बात करते हैं, OBC की BMS की कट ऑफ आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की बात करते हैं 531 कट ऑफ रही है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडिट की बात करते हैं 530 मार्क्स रही है। BHU की बात करते हैं 586 मार्क्स कट ऑफ रही है। ITRA जामनगर की 571, NIA जयपुर की बात करते हैं तो 585 कट ऑफ रही है। NEIH शिलोंग की बात करते हैं 548 कट ऑफ रही है। इनके ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने रैंक पर क्लोज हुआ है OBC कैटेगरी के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी कट ऑफ आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की बात करते हैं 421 मार्क्स कट ऑफ रही है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड 416, BHU की बात करते हैं 468, ITRA जामनगर की कट ऑफ रही है 458, NIA जयपुर की 474, NEIH शिलोंग की 430 मार्क्स कट ऑफ रही है। ST कैटेगरी की बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो ST कैटेगरी में कट ऑफ रही है 408 मार्क्स। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की 427 मार्क्स। BHU की बात करते हैं 453 मार्क्स। ITRA जामनगर की 440 मार्क्स।
NIA जयपुर 469 मार्क्स, NIA शिलोंग 435 मार्क्स। तो ये हमने बात करी BAMS कोर्स की, सभी कॉलेजेस वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ की। अब बात करते हैं BHMS कोर्स की। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ रही है 478 मार्क्स। क्लोजिंग रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक कितनी रही है। EWS की बात करते हैं, EWS की 449 मार्क्स कट ऑफ रही है। OBC कैटेगरी के लिए 462 मार्क्स कट ऑफ रही है। SC कैटेगरी में 382 मार्क्स कट ऑफ रही है एंड ST कैटेगरी 331 कट ऑफ रही है। ये BHMS की ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड की BHMS कोर्स के लिए, तो अनरिजर्व के लिए 475 कट ऑफ रही है, EWS के लिए 457, OBC के लिए 466, SC कैटेगरी में 378 एंड ST कैटेगरी में 348। ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक कितनी गई है। ठीक है, तो ये BHMS की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं BUMS कोर्स की क्या कट ऑफ रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की BUMS के कोर्सेज के आप कट ऑफ देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 460 मार्क्स कट ऑफ रही है, ऑल इंडिया रैंक 1,22,000। SC कैटेगरी में 272,132 एंड ST कैटेगरी में 329,140। ठीक है, तो ये कट ऑफ हमने बात कर ली गाइस तीनों ही कोर्सेज की, BMS, BHMS, BUMS की। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी और कोर्सेज वाइज भी। ठीक है, और ये जितने भी कट ऑफ है गाइस, जितना कि मैंने अपने जो लाइव सेशन जो मैंने अकेडमी लेता था उसके अकॉर्डिंग जितनी भी मैंने एक्सपेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग ही रही है। ठीक है, मैंने बताया था कुछ इंस्टीट्यूट से उनकी हाई भी जाएगी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो हमने देखा भी NIA जयपुर की हाई गई है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने सभी कट ऑफ आपको बता दिया। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।